तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली, मतलब देखा जाए काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने इस एसजा कैमरे के लिए राइडिंग एंड बदर से एक माइक एडाप्टर मंगवाया था, ताकि इसकी थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो एसजा कैम का ओरिजिनल जो माइक है वो तो बहुत ही बकवास है, मतलब इतनी वेट नॉइस कुछ आता ही नहीं है। तो इसको अब चेक करते हैं लगा के। इसमें मैंने अलग से एक माइक भी लिया है, देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। बस होप करता हूँ कि आवाज़ अच्छी आ रही हो, पर ये भी टाइम और मनी वेस्ट। एंड अभी तो मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन का पेपर देखा जाए तो वैसे था, बट कुछ इंसिडेंट्स हुआ मेरे साथ, ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी भी है एक तरह से, क्योंकि एक्चुअली मेरी गाड़ी घर पे जैसे खड़ी थी, अब खड़ी बाइक में ही, पता नहीं कहाँ से मेरे घर में बाइक में ही चूहे घुस गए, और चूहों ने बाइक की आरसी एंड पॉल्यूशन दोनों को ऐसा खाया है कि मतलब उसका नामो निशान तक नहीं बचा। तो इस वजह से मेरे को अपना सब फिर से बनवाना पड़ेगा, और तो अभी मैं जा ही रहा हूँ बस पॉल्यूशन वाला बनवाने के लिए, PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल वो बनवा लेता हूँ। उसके बाद फिर RC के लिए मुझे शायद से मेरी RTO ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर या फिर जो देवा पर पड़ता है वहाँ जाना पड़ेगा बनाने के लिए। अब चेक करते हैं कहाँ जाके बनेगा, तब तक जाते हैं PUC बनवाने। ओके, तो चालान का काम होता है यहाँ पे। निकाल दो ये, अच्छा भाई जैसे इसका ये डॉक्यूमेंट था मेरे पास, ये भी था ये, मतलब यार चूहे ने काट के सब पूरा मतलब बर्बाद ही कर दिया। तो इसका ये RC कहाँ बनेगा, मतलब फिर से बनवाना, वो वहीं से बनेगा, ऑनलाइन ऐसे कुछ नहीं है। तो FIR ही कराना पड़ेगा, मतलब उसे तो चूहों ने ही काटा है, उसको पूरा ऐसा काटा है कि कुछ। हाँ ठीक है, कितना वक्त है? तो अभी तो देखा जाए तो मैं काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ, और मैंने थोड़ा सा अपना देखा जाए कैमरे का एंगल पोजीशन में भी चेंजेस किए हैं। एंगल पोजीशन में चेंजेस इसलिए हुए, मतलब जैसे कि अभी पहले क्या था, मेरे को अपना कैमरे की स्क्रीन नहीं दिखती थी, इसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। कई बार मैं रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता था बट वो रिकॉर्ड होता नहीं था, तो इसलिए उसको सही करने के लिए अब मेरे को दिख रहा है मेरी स्क्रीन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब होप करता हूँ अच्छे से वीडियो बन रहा हो, एंगल भी सही हो, एंड वॉइस क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही हो। थोड़ी भगा के देखते गाड़ी, और भगाने पे यहाँ का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है, ये इंद्रनगर। और यार एक तरह से देखा जाए तो वीडियो भी आजकल मैं बना नहीं रहा हूँ, रीज़न ये है कि मतलब अगर थोड़ा बहुत जैसे प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट जो भी वीडियो बनाता हूँ उस पर अगर सही से मतलब व्यू ना आए और लाइक ना आए तो अंदर से होता ना डीमोटिवेशन हो जाता है, तो वो हो जाता सीन, ना लाइक ना सब्सक्राइबर्स, तो क्या ही मतलब होता ना कि क्या ही बनाए फिर जब कुछ चलना ही नहीं है।
उस वजह से सब वे में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो हो जाता है। अच्छा भैया बेटा जरा साइड हो जाना, थोड़ा बेटा साइड हो जाना। अंकल जी का गुस्सा दिख रहा, बेचारे को उसके बाइक वाले ने साइड मिरर पे दे मारा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ खुल के रह गया, टूटा नहीं, वरना अक्सर यही होता है। इसलिए मैं मोस्टली सिटीज़ में अपनी कार के साइड मिरर्स बंद रखता हूँ। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ हाईवे पे, क्योंकि ऐसे घूम सिटीज़ में लोग बगल से निकलते हैं और वो फिर कट मारने के चक्कर में ऐसा कट मारते हैं कि वो साइड मिरर ही चला जाता है। का माइक का क्वालिटी चेक करने के बाद ही अब पता चलेगी कि इसकी फाइनली इसकी क्वालिटी कैसी है, कि वॉइस सही से आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, नॉइस तो ज़्यादा नहीं है, ये सब पता चलेगा बाद में। और ये अभी जो मैं माइक के चेक कर रहा हूँ, इसमें अभी मेरा जो वॉइसर है वो पूरी तरह से क्लोज तो नहीं है, हल्की सी स्पेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मैंने अपना ये माउंट लगा रखा है वो स्ट्रैप वाला है, तो इसकी स्ट्रैप की वजह से इसका ये पूरा प्रॉपर जो उसका वाइज़र है वो बंद नहीं हो पाता है, वो स्ट्रैप आ जाता है, तो इस वजह से हल्की स्पेस रह जाती है। तो देखते हैं, वही नॉइस की वजह से भी हो सकती है थोड़ी बहुत, बाकी ट्राई यही है कि अगर ना हो तो अच्छी बात है। ओके सो फाइनली अपना आज पॉल्यूशन का काम हो गया और सारे काम हो चुके हैं। सामने आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ही बेहतरीन लग रहा है, पेड़ों के बीच से मतलब जो सन दिख रहा है आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। अपने मतलब सारे काम तो नहीं, पॉल्यूशन का काम हो गया, अब बचा है सिर्फ ऑडियो ऑफिस का। उसके लिए देखना है कि मुझे न्यू RC के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सबको अगर किसी को भी पता हो, जैसे कि अगर जैसे मेरी RC डिस्ट्रॉय हो गई है चूहों की वजह से, अगर किसी को पता हो कि न्यू RC कैसे अप्लाई होगी, कैसे मिलेगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकता है। ये मतलब यार ग्रीनरी कार्ड के अलग क्यों कर देते हैं यार, मतलब अच्छा लगता है यार बहुत यार सेट, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वही चीज़ ही लोगों ने हटा दी है, छुपा दी है, ऐसा क्यों है यार। तो इसी के साथ अब चलते हैं घर और आज का छोटा सा ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।